नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। आज खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह ने कहा कि खागा तहसील में आने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व सभी आम जनमानस का इस हेल्थ डेस्क के माध्यम से पहले सभी की जाँच होगी। उसका नाम व पता एवं आधार कार्ड नंबर भी दर्ज करने के उपरांत ही उनको कार्यालयों में अंदर प्रवेश मिलेगा। मुंह न ढककर तहसील आने वालों का जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं, उनका 500 रुपए का जुर्माना भी लिया जाएगा व साथ ही गरीबों व असहाय लोगों के लिए यहां पर मुफ्त में मास्क भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। खागा उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह ने सभी को जागरूक करते हुए यह भी कहा कि आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना वायरस से बचने हेतु अब ज्यादा सावधानी का समय आ गया। सभी को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बार बार घर से बिल्कुल बाहर न निकले। अगर बहुत आवश्यक हो तो तभी घर से बाहर निकले, वह भी अपने मुंह नाकड़कना ना भूले। अपने हाथों को बार बार जरूर धुलते रहें। साबुन और पानी जहां न उपलब्ध हो तो वहां पर सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उन्होंने उपस्थित सभी अधिवक्ताओं से भी अनुरोध किया कि आप लोग भी अपने बस्तों पर अनावश्यक रूप से भीड़ न एकत्र रखें। एक एक फरियादी को समय देते हुए उसकी समस्या सुने। उन्होंने कहा कि सावधानी इसलिए जरूरी है कि अगर कहीं एक भी अधिवक्ता या तहसील के कर्मचारियों कोरोना से संक्रमित हुआ तो पूरी तहसील बंद हो जाएगी, जिससे आम जनमानस बहुत प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोरोना वायरस से बचाव हेतु सरकार की जो गाइडलाइन है उसको हम और आप सभी को जरूर पालन करते हुए अपने को, अपने घर, परिवार, मोहल्ले व नगर एवं गाँव को सुरक्षित रखते हुए अपने देश व समाज के प्रति एक सच्चे हिंदुत्वी का फर्ज निभाना है। इस मौके पर प्रमुख रूप से तहसीलदार शशिभूषण मिश्र सहित सभी कानून गो लेखपाल, अधिवक्ता व तहसील कर्मचारियों सहित आम जनमानस के लोग भी मौजूद रहे। आप लोगों को बताते चलें कि खागा उप जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि खागा नगर में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उस क्षेत्र को 250 मीटर दूर तक कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सील कर दिया गया है। उसी क्षेत्र की एक झलक आप लोग भी देखें, कोई एक गार्डक नहीं है। कौन कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। आइए सुने राजा राम अग्रहरी के जुबानी, जिनके यहां कोरोना पॉजिटिव मिला है। एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो, संजय पटेल, कैमरा मैन अजय मौर्य, फतेहपुर से। हो, मुखी हो, बाबू हो, अधिकारी हो, बिना मास्क के अगर कोई प्रवेश करता है 100 रुपए की रसीद। माता जी जैसे हैं, गरीब आदमी किसान हैं, अब इनके पास कहाँ से पैसे होंगे, तो हमने इनको दे दिया। हम यहाँ मास्क भी रखवाएंगे तुम लोगों को, 200-300। गरीब शरीफ आदमी आ रहा, उसको मास्क दे दिया, उसको नहीं हम जुर्माना लगाएंगे ना तो उसको पैसे वसूली करेंगे, फ्री में मास्क दे, ठीक है। लेकिन अगर कोई अमीर आदमी बिना मास्क के आएगा, वकील आएगा, कर्मचारी आएगा, अधिकारी आएगा, तो उसको 500 रुपये है सरकार, 500 रुपये का जुर्माना कर करके और उसको रसीद दे दिया जाएगा, सरकारी खजाने में डाल देंगे, कोई हम अपने पास थोड़े रखेंगे। ओके, तो इस नाते सभी लोग सतर्क रहो। मास्क का मतलब और समझ लो, गमछा भी है, गमछा बांधो, रुमाल बांधो, बढ़िया से साड़ी बांधो, लेकिन नाक और मुंह पूरा ढका होना चाहिए। ये नहीं कि गमछा बांध के टेढ़ा मेढ़ा कर लिए फर्जी, नाक और मुंह धन्यवाद। देखियो साथियों, ऐसा है ना, जो ये हमने कोविड हेल्प डेस्क बनाया है, सरकार ने ये कहा है कि तहसीलों में, न्यायालय में, थाने में पब्लिक बढ़ रही है। अभी आप बढ़ रहे हो क्योंकि आपको जरूरत है कि आपको पैमाइश करानी है, आपके घर पे झगड़ा हो गया है, आपको कोई समस्या है। लेकिन जो कोरोना महामारी है अभी भी अपना पैर पसार रहा। अभी देखो आपके खागा में 2 जगह कोरोना पॉजिटिव मिल गए, नहीं मिल गए, और जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मिल गए वहाँ 250 मीटर हमने कंटेनमेंट एरिया बना दिया। अब जब 250 मीटर के अंदर कोई जा नहीं रहा, सारे लोग अंदर है ही नहीं है, तो अगर तहसील में कोई कर्मचारी, कोई अधिवक्ता, कोई अहलकार बीमार हो जाएगा, कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपकी तहसील बंद हो जाएगी। बिल्कुल, इसके लिए सरकार ने कहा है भाई एक कोविड हेल्प डेस्क बना दीजिए,
कोविड हेल्प डेस्क पे जो व्यक्ति आ गए उसका परीक्षण करो, चलो इनका परीक्षण करो, देखो इनको कितना फीवर, दूर से करिए और दूर और दूर से करिए तो नहीं हो जाएगा। कितना है? 36.1 है, यानी ठीक है, इन पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ में ये लो, ये अपना हाथ, कोई जरूरी नहीं कि आप सैनिटाइज करो, जरूरी ये है कि आप अपने हाथ को हर घंटा दो घंटा में धोते रहो। नहीं साबुन है, नहीं पानी है अगर आपके पास, तो उसका विकल्प ये सैनिटाइजर है। ये अगर नहीं पानी मिल रहा, नहीं साबुन मिल रहा, कैसे बोलेंगे, तो सैनिटाइज कर लीजिए, ठीक है। और इससे अच्छा साबुन होता है, साबुन सबसे बढ़िया, साबुन से अच्छा कोई चीज, चाहे कोई साबुन हो, कोई नहाने वाला साबुन हो, कपड़ा साफ करने वाला साबुन हो, आप उससे अपने हाथ को खूब अच्छे ढंग से यो यो करके, यो करके, नाखून कहीं भी चिपका हो सकता है वायरस, खूब बढ़िया साफ करिए 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक मल लीजिए। और इसके बाद जो कोई वायरस आपकी कहीं होगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये सेफ रहना है सभी लोगों को, जब तक बहुत जरूरी ना हो कतई ना निकलो। एम्बुलेंस से फतेहपुर के पास जांच केंद्र में भेजा, एम्बुलेंस हमको छोड़ करके चली आई। हमने एम्बुलेंस वाले से बहुत कहा, उसने कहा कि हमारी सिर्फ छोड़ने की ज़िम्मेदारी है, वापसी आप अपने माध्यम से जाएं, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। वहाँ से कोई साधन उपलब्ध नहीं था, बड़े मुश्किल से हम लोग जो है फ़ोन करके किसी तरह से साधन बुलवाया, और उसने जो है हमसे वहाँ से फतेहपुर तक ज्वालागंज तक आने का 500 रुपये किराया लिया। फिर वहाँ से हम लोग बस से आए, खुदा न खास्ता ऐसी हालत में माल हम लोगों को किसी को पॉजिटिव निकल आए, तो बस में वहाँ से लेकर के खागा तक में कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं, ये प्रशासन